एप्लीकेशन करेगा, हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सर बेल पे क्या हुआ? बेल एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, जब तक रिमांड का इशू सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक बेल एप्लीकेशन पे टेक्निकली ऑर्डर नहीं हो सकता। एक बार रिमांड का इशू क्लियर हो जाए उसके बाद फिर बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर होगा। कर्नाटक पुलिस भी उनको जाने के लिए दे रहे, कर्नाटक पुलिस भी आई हुई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी देखते हैं कर्नाटक पुलिस उनको लेके जाती है या फिर ओशिवारा पुलिस स्टेशन को रिमांड दी जाती है। ऑनरेबल बोर्ड थैंक यू। थैंक यू सर। दीपक सर रुकिए, दीपक सर। अरे गुप्ता जी बोलो यार, आप नाम गलत आज क्या होने वाला है सर, वही बताइए पहले। आज ओशिवारा पुलिस आदिल को रिमांड पे लेके आएगी और वो पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे एज यूजुअल, और हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको, मतलब क्या होता है? तो जैसे पहले थी, क्योंकि एक्चुअल एस्पेक्ट जो था मेरिट्स जो था केस का, वो हिसाब से मजिस्ट्रेट ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राइटली उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। ये जानते हुए उसकी कस्टडियल इंटरोगेशन की कोई जरूरत नहीं, उसकी पुलिस कस्टडी की कोई जरूरत नहीं, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा। अभी सेशंस कोर्ट ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया है कि उसकी कस्टडी ऑर्थर जेल से लेके मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। अब पुलिस कस्टडी ग्रांट होती है या जुडिशियल कस्टडी ग्रांट होती है तो उनको कोर्ट में देखना पड़ेगा। फिलहाल हम जुडिशियल कस्टडी की फिर से मांग करेंगे। आप क्या मांग करने वाले? हम तो जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे और ये भी मांग करेंगे कि हमारा जो बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, ऑर्डर जो रिजर्व रखा गया है बेल एप्लीकेशन ऑर्डर, उस पर ऑर्डर पास किया। कल विंडो सी कोर्ट में देखा आपके चेहरे पर स्माइल था, कुछ जीत गए ऐसे? देखिए वो तो अलग अलग रीज़न होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि सेशंस कोर्ट में टेक्निकली अगर बोलेंगे और लॉ पॉइंट के हिसाब से भी बोलेंगे, लीगल प्रोविजंस के हिसाब से भी बोलेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऑर्डर हमारे फेवर में आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्डर पास हो गया। ओके वो पैसे का क्या मैटर है? पैसे का जो है, पैसे का मसला तो ये है कि फिलहाल हमारे क्लाइंट के पेरेंट्स को फ़ोन कर करके धमकी दी जा रही है और पैसे की मांग की जा रही है। कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हम आप लोगों के सामने जल्दी ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एंटायर कॉन्स्पिरेसी ही पैसे के लिए की गई है। जो कर्नाटका पुलिस में FIR लॉज हुई है उसके पीछे गैंग काम कर रहा है, एक रैकेट काम कर रहा है, मी टू गैंग काम कर रहा है, जो एक्सटॉर्शन के जरिए ऐसे केसेस फॉल्स केसेस करके लोगों को एक्सटॉर्ट करता है, उसका सबूत भी मैं आप लोगों के सामने जल्दी रखूँगा। अरे छोटे मोटे रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम की बात कर रहे हैं राशि जो। ऑब्वियसली ये छोटे मोटे रकम की बात होगी नहीं ना, इसी वजह से तो एक के बाद एक FIR उसके पे किए जा रहे हैं ताकि उसके माँ बाप गो डाउन करें और उनको एक्सट्रॉशन मनी दें। जैसा कि आपने कितनी गाड़ी आदिल खरीदा है उनके पैसे लेकर? भाई वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, हमने अकाउंट डिटेल पूरी दी हुई है, पहले ही दिन दे दिया था। अब वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, कितनी गाड़ियाँ खरीदी, किसका पैसा साइफन किया, किसका पैसा लिया, किसका किसको दिया, कंप्लेनेंट को कितना पैसा दिया, क्या क्या लिया दिया, वो सब तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सारी डिटेल्स हमने पहले ही दी हुई है पुलिस को। और सबसे बड़ी बात यह कि 10 दिन हो गया है, पुलिस कर क्या रही है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पहले दिन जहाँ पे पुलिस थी आज भी वहीं पे खड़ी है, बस नया नया एलिगेशन लग रहा है मीडिया में, मीडिया ट्रायल चल रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। और पैसे को लेके बातचीत हुई है, काफ़ी बड़े एलिगेशन भी लगे हैं उनके ऊपर। देखिए पैसे का तो उन्होंने FIR में ही बता दिया था, अमाउंट भी बता दिया था कितने का फ्रॉड हुआ है, लेकिन फ्रॉड ऑन ग्राउंड कहाँ हुआ है वो तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है ना, उसके लिए तो हमने अपना अकाउंट वगैरह और जो भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स हमने पुलिस को दे दी थी। यहाँ पे मैटर ये नहीं है कि हमने कितना चीट किया, क्योंकि चीटिंग हुआ ही नहीं, चीटिंग तो हमारे साथ हुआ है। अब मसला ये है कि यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमको एक्सटॉर्शन कॉल कितनी आ रही है पैसे के लिए, पैसा दीजिए और मैटर सेटल करिए। आदिल की तरफ से क्या कुछ बयान है? आदिल तो जुडिशियल कस्टडी में, उसकी तरफ से क्या बयान होगा? जैसे आप मिले होंगे ना, आपको कुछ बोला हो? नहीं, मैं जेल में नहीं मिल पाया उससे, नहीं मिल पाया। अभी आज प्रोड्यूस करेंगे उसको, फिलहाल मैं उसके पेरेंट्स से संपर्क में हूँ। बयान होगी आपके तरफ से, आपके एंड से क्या कुछ आप? हमारी तरफ से मैं सारे फैक्ट्स रखूंगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस हुआ है वो मैं कोर्ट के सामने रखूंगा। किस तरह के फैक्ट्स आप बताना चाहोगे? अभी नहीं, वो हमारा एक अपना
वो है वो हम कोर्ट के सामने रिवील करेंगे जैसा रहे बताएंगे आप। वही तो टेक्निकल प्रॉब्लम वही थी कि अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में था, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन वाले आए और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैसूर पुलिस आई हुई है उसकी कस्टडी लेने और बेल की अपील होगी। सुनिए तो सही, उन्होंने ये बोला कि मैसूर पुलिस आई हुई है और वो प्रोडक्शन वारंट पे आई हुई है, ट्रांसफर वारंट लेके आई हुई है, कोर्ट ने पास कर दिया। मॉर्निंग सेशन में ही मैसूर पुलिस यहाँ पे आ गई, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। मैं कोर्ट के मैसूर कोर्ट से मैं एविडेंस ले आके प्रोड्यूस करूँगा कि ऑर्डर मॉर्निंग में पास ही नहीं हुआ था, मैसूर पुलिस पहले आ गई थी, ऑर्डर आफ्टरनून सेशन में पास हुआ था। और उनके एडवोकेट ने रिवीजन एप्लीकेशन में सेशंस कोर्ट के सामने ये बयान देते हैं कि नहीं नहीं सर ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं पास हुआ है। सो ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना वो सारी चीज़ें मैं कोर्ट के सामने रखूँगा। आपकी तरफ से बेल की अपील, बेल देखिए बेल पे हियरिंग हो चुकी है ऑलरेडी, अभी टेक्निकल इशू ये है कि जब तक रिमांड पे फैसला नहीं आ जाता बेल एप्लीकेशन वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। तो फिलहाल वो समझ लीजिए कि अभी वो पेंडिंग है, वो तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक जुडिशियल ऑनरेबल कोर्ट जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर नहीं दे देते। और कोशिश करेंगे हमको आज ही जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हो और आज ही हमारे बेल एप्लीकेशन। हाँ जी, थैंक यू।